Hello there, this is Sneh, and in this video I'm going to discuss chapter of class 10th chemistry, that is chemical reaction and equation. So let's start. Equation. Firstly, we will discuss about chemical reaction. What are chemical reactions? Look, the process of interaction of chemicals with each other to form new substances known as chemical reaction. That means, कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा process है कि भाई दो chemicals अगर आपस में क्या करते हैं, interaction करते हैं, तो उस interaction करने के बाद अगर कोई नया substance बने तो उसे हम बोलते हैं chemical reaction. Let me write the definition of this. Is known as chemical reaction. अभी इसको और कैसे अच्छे से समझा जा सकता है, तो और किस तरीके से समझा जा सकता है, बाय टेकिंग एन एग्जांपल. अगर हम एग्जांपल लेके चले, एग्जांपल ले लेते हैं हम जैसे हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है वाटर. ठीक है, और एक और एक एग्जांपल है हमारे पास कि भाई अगर कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. अब बात कर लेते हैं, एग्जांपल मैं लिख देती हूँ ताकि आपको रिमेम्बर रहें, याद रहें. ठीक है, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी नोटबुक एंड एक पेन अपने पास ज़रूर रखें, और जो भी मैं बोल रही हूँ अगर जैसे मैं नहीं लिख पा तो उसको आप नोट डाउन कर लो, दैट वुड बी बेटर. ठीक है, और ये हो गया हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. ठीक है, ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन. इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इंटरैक्ट कर रहा है विद ऑक्सीजन और फिर एक नया सब्सटेंस बन गया है, दैट इज वाटर. ठीक है, नया सब्सटेंस क्या बन गया है, वाटर. तो ये क्या हो गई है, ये केमिकल रिएक्शन हो गई है. अब ऐसे ही कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब ऐसे ही कार्बन जब कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन एक अलग केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे ही ऑक्सीजन एक केमिकल सब्सटेंस है अलग. जब ये एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस बन गया है, वो नया सब्सटेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सो वी कैन से दैट दिस इज द केमिकल रिएक्शन. अब लेकिन इनको ना रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब काफ़ी लेंदी हो जाता है और इसमें इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी कम रहती है ना. तो ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा लेंदी होने की वजह से हम इसको आगे प्रेफर नहीं कर पाते हैं. अब देखो, सोचिए अगर आपने कोई बड़ी रिएक्शन लिखनी हो तो आप तो इसको बस लिखने में ही टाइम निकल जाएगा, है ना, और इसमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है इतनी ज़्यादा. तो हम क्या करते हैं कि हम क्या, साइंटिस्ट ने एक नया तरीका निकाला है इसको लिखने का. ठीक है, पहले के टाइम में ही निकाल लिया था कि भाई इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है. एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जिससे हमें इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलेगी, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमें इसको लिखने में भी आसानी होगी, मतलब लिखना इसको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं वो जो रिप्रेजेंटेशन दी गई, दैट इज केमिकल इक्वेशन. ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, केमिकल इक्वेशन. अब एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन और हम कह लेते हैं इसकी जगह बेटर वर्ड रहेगा और रिप्रेजेंटेशन, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन केमिकल सिंबल्स
and formulae are used to represent any chemical reaction. ठीक है, दैट मीन्स इस टाइप ऑफ ऐसी रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, केमिकल सिंबल्स का यूज़ करते हैं. क्या किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल सिंबल और या फिर फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं ताकि केमिकल रिएक्शन को लिखना आसान हो जाए. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या बोला था कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है बाय द विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O. अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स लिए हैं इन्होंने, 2 है ना, और इसमें मॉलिक्यूल कितना लिया है, 1. ऐसे ही ऑक्सीजन का केस है तो, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितना बना है और कितनी क्वांटिटी में है और इसका फॉर्मूला क्या है, ये प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन इसमें मिल गई है. तो ये बहुत अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. अगर ऐसे ही हमने कार्बन, जैसे ये एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई इसको भी रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें पता चल रहा है कि हमने कार्बन के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, हमने कितने एटम यूज़ किए हैं और कितना, जो अब यहाँ पर हमारे पास न्यू सब्सटेंस जो बना है वो कितना बना है. ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेशन क्या है भाई, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, ये कि भाई इट इज़ ईजी टू राइट. ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ईजी टू राइट. ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लिखने से तो बेटर है कि ये लिख दें हम, है ना, आसानी है लिखने में हमें, और क्या है, हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज़ वेल एंड गुड. और ये क्या है, इन्फॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन. नाउ अब किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे लिख सकते हैं, तो भाई केमिकल यूज टू फॉर्म द रिएक्शन नोन एज रिएक्टेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल और सब्सटेंस नोन एज प्रोडक्ट. क्या कह सकते हैं हम कि भाई अगर, अब और भी तरीके से लिख सकते हैं. अब यहाँ देखो, हमने जब हम बात करते हैं ए प्लस बी, एग्जांपल ले लिया हमने, मान के चलते हैं कि भाई ए कोई सब्सटेंस है और बी कोई सब्सटेंस है, इन दोनों को हम रिएक्ट करवा रहे हैं और हमारे पास बन रहा है ए बी. कुछ भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, सी प्लस डी भी बन सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल तरीका है. तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई ए प्लस बी गिव्स ए बी. अब ये क्या है और ये क्या है, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. क्या बोला जाता है इन्हें, रिएक्टेंट्स, और इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. दैट मींस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होते हैं हमारे पास, हमेशा रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या रहते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट रहते हैं. अब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, मैं ये प्रॉपरली आपको लिख देती हूँ, एक बार फिर से वो रिएक्शन लिख देती हूँ जो मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल की तरह भी लिखवाई थी, बताइए मैंने. अब हम कह सकते हैं कि भाई रिएक्टेंट्स क्या हैं, क्या है रिएक्टेंट्स, केमिकल्स यूज टू फॉर्म used to, और आप कह सकते हो chemical that is used in the reaction known as reactants and then after reaction the formation of new compounds known as products.
ठीक है, नोन एज प्रोडक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल हमने अभी शुरू से लेके चल रहे हैं, सबसे इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एच टू प्लस ओ टू गिव्स एच टू ओ। अब ये क्या है इसमें, दिस इज नोन एज रिएक्टेंट। मीन्स इस केमिकल रिएक्शन में हमने जो दो चीज़ें यूज़ की हैं, केमिकल सब्सटेंस यूज़ किए हैं, जो आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। देन फिर भाई इनके रिएक्ट होने के बाद जो हमारा बना है, ठीक है, फॉर्मेशन जो हुई है, जो चीज़ हमारी प्रोड्यूस हुई है, प्रोडक्शन हुआ है जिस चीज़ का, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। अब भाई इसमें आपने देखा ये प्लस साइन किस चीज़ के लिए, ठीक है, ये एरो क्यों लगा रखा है हमने, तो ये प्लस साइन किस चीज़ में रिप्रेजेंट करता है कि भाई जैसे हमने दो केमिकल्स लिए हैं, अब अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं, जैसे ये साइन ना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमने हाइड्रोजन गैस लिया है या क्या कंपाउंड है क्या नहीं कंपाउंड है। तो ये बेसिकली क्या करता है, केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, मतलब डिफरेंस बताता है कि भाई ये जो प्लस साइन है ये क्या है, कि ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड, इन दोनों को मिक्स किया है, ठीक है, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा ये बनेगा, ये बताता है ये जो प्लस साइन है। और ये जो गिव साइन है, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि जो रिएक्शन है वो किस तरफ प्रोसीड कर रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमारा वाटर बन रहा है, तो दैट मीन्स रिएक्शन कैसे हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो दैट मीन्स रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड हो रही है, इस तरफ, कि भाई इनसे ये बन रहा है, तो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड हो रही है, दिस साइड। तो ये बेसिकली क्या बताता है, दिस शोज दैट द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन विच डायरेक्शन, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन विच साइड इट इज प्रोसीडिंग। डन, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारी और भी कुछ चीज़ें आती हैं, देर मे बी वेरियस कंडीशन अंडर विच रिएक्शन मे हैपन, है ना, हो सकता है कि यहाँ पर कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें रिएक्शंस हो। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, कभी हमें सनलाइट देनी पड़ती है, कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है, तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट की, ठीक है, जब हम हीट की बात करते हैं तो कभी कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि किन किन्हीं दो कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम कह सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हमने सिंबल यूज़ ना करना हो तो हम नॉर्मली टेम्परेचर लिख दें कि भाई टेम्परेचर कितना यूज़ हुआ है, जैसे 273 केल्विन यूज़ हुआ है टेम्परेचर, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो गया है, अगर हम इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। ऐसे ही कई सारी चीज़ें, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो हम इस एरो के ऊपर, हम ये कहाँ लिखते हैं, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं इस एरो के ऊपर, ठीक है, ये कहाँ लिखेंगे हम, इस एरो के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है तो हम इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे, अगर सनलाइट यूज़ हो रही है तो ऑब्वियसली हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इस एरो के ऊपर ही लिखना है हमने सनलाइट। देन अगर और कुछ कंडीशन हमने यूज़ किया है, जैसे कि प्रेशर, अगर हमने प्रेशर यूज़ किया है तो हमने क्या करना है, जितना प्रेशर लगाया है हमने, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जितने भी अमाउंट में हम प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हमने क्या कर देना है, इस एरो के ऊपर नोट डाउन कर देना है। अब एक इसके बाद ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, हम यूज़ करते हैं कभी कभी कैटलिस्ट का। अब व्हाट इज़ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है क्या, ठीक है, ये जो कैटलिस्ट है हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब भाई ये क्या बोल दिया, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली कुछ केसेस में क्या होता है, रिएक्शन हो नहीं पाती, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है जो उस रिएक्शन को शुरू कर दें, है ना, ये होता है। तो
या फिर उसको जो रिएक्शन है वो काफी स्लो हो रही है और हम चाहते हैं कि भाई ये थोड़ी सी जल्दी हो जाए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर देते हैं उसको उसमें यूज कर लेते हैं हम कैटलिस्ट। अब भाई कैटलिस्ट की बात करें तो भाई कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या लिखें फिर हम, है क्या कैटलिस्ट अगर डिफाइन करने के लिए बोले तो भाई क्या कह देंगे हम, दे आर दोज केमिकल्स विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन विद विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। ठीक है, ये शायद आपको लिखने में समझ आ रही होगी कि भाई ये वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। मतलब नॉर्मली अगर वो 5 मिनट्स में हो, नॉर्मली अगर वो जैसे 1 आवर ले रही है तो मे बी उसको टाइम लगा है वो 10 मिनट्स में हो जाए, ठीक है, कैटलिस्ट डालने पे। और कभी कभी क्या होता है भाई, ये इतना ज़्यादा टाइम लेती है जो 1 और 2 डेज भी ले लेती है उसको 1 डे में कर दें, ये मतलब कई सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कभी कभी रिएक्शन हो नहीं रही होती है, प्रोसीड ही नहीं हो रही होती है, तो हम क्या कर देते हैं इसके लिए यूज़ कर देते हैं कैटलिस्ट, जो क्या है रिएक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बात और है कि जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो इसमें ये क्या करता है, हेल्प तो करता है इनकी, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स की हेल्प करेगा कि भाई रिएक्शन जो है प्रोसीड हो जाए, लेकिन ये फिर से वापस वैसा का वैसा ही निकल जाता है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, ये बिना पार्टिसिपेट किए रिएक्शन में ये क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं निकल कैटलिस्ट ले लेते हैं, जैसे कोई रिएक्शन ले रहे हैं हम और उसमें हमने क्या ले लिया है निकल कैटलिस्ट। हाँ जी, तो जब हम निकल कैटलिस्ट किसी में डालेंगे, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर हम उसको यूज़ करेंगे, जो रिएक्शन स्लो है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अब फास्ट होने के बाद ये क्या होगा, जब रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, अब भाई निकल कैटलिस्ट गया कहाँ, वो वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे हमने डाला था 5 ग्राम ऑफ निकल, ठीक है, तो वो वैसा का वैसा ही 5 ग्राम ऑफ निकल प्रोडक्ट में निकल जाएगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल, समझ गए आप, ये चीज़ मे बी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैटलिस्ट होते क्या हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ना और भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, क्या चीज़ होती हैं, जैसे हम कोई भी रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्शंस में ना कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा एरोज़ यूज़ होते हैं। वो एरोज़ क्यों यूज़ होते हैं, है ना, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया C+O2 गिव्स CO2 और यहाँ पे लगा देते हैं एरो। अब ये एरो क्यों लगा दिए भाई, अब एरो क्यों यूज होता है, एरो इज यूज्ड व्हेन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्ट्स। एरो कब यूज होता है, जब कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा हो, गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से और ध्यान रहे, यूज व्हेन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे ही ये, लेकिन हम एरो कौन सा यूज करते हैं, अपवर्ड एरो, किसके लिए यूज करते हैं, गैस के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसके बाद ना एक डाउनवर्ड एरो भी यूज होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं Zn+CuSO4 मतलब जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और यहाँ पर आ जाता है एरो अगेन। अब ये एरो क्या है, ठीक है, ये जो डाउनवर्ड एरो है ये यूज होता है जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ठीक है, कब यूज होता है डाउनवर्ड एरो, जब हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। अब ये यहाँ पर कैसे प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट वो चीज़ें होती हैं जो
जो सॉल्यूबल नहीं होती हमारे पास, जैसे ये पूरा प्रॉपर एक सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ये जो कॉपर है ये कॉपर डिजॉल्व फॉर्म में नहीं होगा, ये क्या है, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो प्रोडक्ट्स में हमें आखिर में मिलता है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो यहाँ लिख देती हूँ वाई डाउनवर्ड एरो इज यूज्ड, इट इज यूज्ड व्हेन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। एंड ये प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म हो रहा है भाई, मतलब आई मीन प्रेसिपिटेट क्या है, ये है इनसॉल्यूबल सॉलिड्स इज फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, डन, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद भाई और भी कुछ चीज़ें होती हैं, रिएक्शन बस इतने में ख़त्म नहीं होती, एक सिंपल नॉर्मल केमिकल इक्वेशन से हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं, देख लो, हाउ कैन वी मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, और किस तरीके से हम इसको क्या करें और इन्फॉर्मेटिव बनाएं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको और किस तरीके से बता सकते हैं कि भाई इनकी ना फिजिकल स्टेट, अब ये फिजिकल स्टेट क्या आ गई भाई, फिजिकल स्टेट ये है कि जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैशियस फॉर्म में, मतलब ये भी हमें बतानी होती है इसमें। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिख देती हूँ हाउ कैन वी मेक रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, सिंपल, वी कैन शो इट्स फिजिकल स्टेट इन द रिएक्शन। हम क्या कर सकते हैं इसमें, फिजिकल स्टेट को शो कर सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लें NaCl, हमने क्या ले लिया है, NaCl लिया है और इसमें ऐड कर दिया है हमने वाटर, और हमारे पास क्या बन के आ गया है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, हमारे पास आयन्स ब्रेक हो गए हैं। अभी क्या होता है कि जब हम ना सॉल्ट डालते हैं, नॉर्मल सॉल्ट जो आप अपने घरों में खाते हैं, उनको हमने क्या किया, हमने डाल दिया वाटर में, तो भाई जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होता है कि ये डिवाइड हो जाते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फिजिकल स्टेट तो दिखाई नहीं, तो भाई दिखा देते हैं फिर। अब फिजिकल स्टेट क्या है यहाँ पर, NaCl किस फॉर्म में होता है, आपके घरों में जो सॉल्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, गैशियस फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, एस, किसे डिनोट कर देते हैं, ब्रैकेट में हम क्या डाल देंगे, एस। अब वाटर, वाटर ऑब्वियसली सबको पता होगा कि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। अब ये हमारे पास जो डिवीजन हुआ है ये किस फॉर्म में आएगा, एक्वस फॉर्म में। अब ये एक्वस क्या चीज़ आ गई भाई, ये एक और नई टर्म। ठीक है, एक्वस क्या होते हैं, बेसिकली जब हम किसी सॉल्यूट को, सॉल्यूट को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए, लिख देती हूँ एक्वस सॉल्यूशन। When we dissolve solute in water, then that formation of solution, sorry, solution is known as एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तो हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में हम शुरू से पढ़ते
देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने इसको आसान तरीके से लिखना देखा, ठीक है, हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर और क्या इन्फॉर्मेशन मिली, भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने, कितने नहीं लिए हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। फिर इसके बाद आ जाता है कि भाई हमने क्या देखी कि किस ये जो एरोज होते हैं ये क्यों यूज़ होते हैं, फिर ये जो प्लस साइन होता है ये क्यों यूज़ होता है। अब आपको अभी ध्यान होगा, अब जैसे मैंने अभी अभी तो बताया कि भाई प्लस साइन यूज़ होता है ताकि बता सके कि कौन से रिएक्टेंट किसके साथ क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट फॉर्म बताई, ये भी बताया कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं। इसके बाद भाई फिजिकल स्टेट किस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस जो कि फिजिकल स्टेट होती है बेसिकली। एंड देन हमारे पास कुछ एरो यूज़ होते हैं, एरो क्यों यूज़ होते हैं, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट क्यों यूज़ किए जाते हैं, जब हम कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसको हम हमेशा एरो के ऊपर लिखेंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इन सबको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। ये मैं बताना भूल गई थी आपको, ये एक बार नोट डाउन और कर लेना कि एरो के ऊपर ही लिखे जाते हैं कैटलिस्ट हमेशा, ये ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम किसी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए या किसी रिएक्शन को कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, तब क्या किस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है, वो भी एरो के ऊपर लिखी जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये ना इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, इन पर कभी कभी मार्क्स कट जाते हैं। अब नेक्स्ट है भाई सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आता है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनता ही है हमेशा बोर्ड्स में, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब भाई पहली रिएक्शन, भाई टाइप्स ऑफ, तो पहला टाइप कौन सा होता है, पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ें हो गई है, ऐसा लग रहा होगा आपको, बट होता कुछ नहीं है इनमें, बहुत सिंपल होते हैं, एक बार अगर समझ आ जाए ना तो कभी नहीं भूलते, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो फिर इसको हम कर लेते हैं डिस्कस। तो सबसे पहली आती है हमारी कौन सी है, पहले सबसे पहली की बात की है हमने, तो दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये नाम से ही पता चल जाती है। व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो नाम क्या है, कॉम्बिनेशन। अब यहाँ देखो यहाँ तक क्या बन रहा है, कंबाइन, तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहा है। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और वो क्या फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक ईजी है काफ़ी समझने में, तो ये आ गया होगा आपको समझ में, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट, और हम इसकी जगह लिख सकते हैं कंबाइन, याद रहने के लिए आपको याद रहेगा, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या हो गया कि भाई ये ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है जो जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, और फॉर्म क्या करते हैं, सिंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत जाना माना एग्जांपल है, शुरू से जब हमने शुरू चैप्टर शुरू किया था ना तब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CO2, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो दो
रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट से हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें भी देखो केस कैसा है, दो रिएक्टेंट से हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल। इसमें भी क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट ले लिए और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज इट। ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब भाई अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कोई जो रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, रिएक्ट होके डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज मीन्स कि भाई टूटना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दिस इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो ब्रेक डाउन होता है ये जनरली किस में होता है, किस फॉर्म में होता है, ये एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी यूज होती है ब्रेक डाउन करने के लिए। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम, क्या है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इंटू टू और मोर प्रोडक्ट टू प्रोसीड दिस रिएक्शन, वी यूज एनर्जी। हम क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक सिंगल रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, और बाय यूजिंग एनर्जी, एनर्जी यूज करके। और एनर्जी हम कहाँ लिखेंगे, आपको पता ही है, एरो के ऊपर। अब यहाँ पे एक होती है स्केलेटल इक्वेशन, मतलब बेसिकली ये चीज़, ये जो टॉपिक था ये पहले था और ये मैं आपको बताना भूल गई, तो अभी सुन लीजिए आप। देखो स्केलेटल इक्वेशन होती क्या है, ये बेसिकली जैसे हमारा स्केलेटन होता है ना, सबका स्केलेटन एक जैसे ही होता है ऑब्वियसली। अंदर की जो पूरी कंपोजिशन होती है, बोन्स वगैरह की जो कंपोजिशन होती है, ऑलमोस्ट सेम ही रहती है सब में, है ना, तो दैट इज नोन एज स्केलेटन। तो उसी से क्या बना है, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन मीन्स एक नॉर्मल हमारी जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, उसका जो ढांचा होगा वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सबका एक जैसा होता है। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे ए प्लस बी, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया ए बी, या फिर कोई हमने रिएक्टेंट ले लिया ए प्लस बी, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सी प्लस डी बन रहा है। तो बेसिकली ये एक ही चीज़ है। अब और किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन, इट इज़ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसको, इट इज़ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पर सी प्लस ओ टू सी ओ टू, ये क्या है, बैलेंस्ड है। अगर यहाँ पर पहले मैंने लिखा था एच टू प्लस ओ टू गिव्स एच टू ओ, यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ था, तब ये क्या थी, अगर यहाँ ये हमने इनको बैलेंस नहीं किया हुआ है, ये जो हमने एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड से रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं कर रखे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। जैसे लिख के बता देती हूँ, एच टू प्लस ओ टू गिव्स एच टू ओ, दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। ये आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। बैलेंस कैसे करें, आपने 9th में पढ़ा होगा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई जितने हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, जितने कंपाउंड्स को मिलाकर या फिर उनको हम रिएक्ट करवाकर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सेम अमाउंट में ही बनेगा जितने रिएक्टेंट का अमाउंट था, ठीक है। ये आपको आई थिंक पता होगा, ये बताया होगा 9th क्लास में, इसलिए उसको फिर क्या किया जाता है, बैलेंस्ड किया जाता है, ताकि इक्वल रहे, रिएक्टेंट साइड भी इक्वल रहे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल रहे, ठीक है। चलो फिर से बैक टू द टॉपिक, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल पढ़ना था, ठीक है। ये तो सारा स्केलेटल का है, ये थोड़ा अलग कर देते हैं इसे, ठीक है। अब हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के सिंपल एक अगर हम बात करें सिंपल फॉर्मूला, या आप ऐसे कह सकते हो, तो वो क्या होता है, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल ये तो नॉर्मल हमने देख लिया कि भाई किस तरीके से होती है, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया CaCO3, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज 1000 डिग्री सेल्सियस, और इस
इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगी, हम क्या कर रहे हैं इसको ब्रेक डाउन करने के लिए थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या बन जाएगा हमारे पास, CaO प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास। तो क्या हुआ है, एक सिंगल रिएक्टेंट था हमारे पास, इससे क्या बना है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके टाइप्स, डीकम्पोजिशन के टाइप्स होते हैं, यस टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑन व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन? बेसिकली थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, आपको पता चल रहा होगा जो डीकम्पोजिशन हो रहा है रिएक्टेंट्स का, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है, या फिर आप कह लो एनर्जी, एनर्जी की प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें हीट की, अब एग्जांपल यही वाला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, दिस द टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इंटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट आएगा यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, सिंगल रिएक्टेंट, करेक्शन कर लेना, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इंटू टू और मोर प्रोडक्ट टू फॉर्म इंटू टू और मोर प्रोडक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। एक बार और ध्यान से सुन लो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होता है और क्या बनता है, टू और मोर प्रोडक्ट। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन होता है रिएक्टेंट का, ये हीट की प्रेजेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यही है एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाला CaCO3 हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये आपकी चीज़ें यहाँ पर, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म। एंड नेक्स्ट आपकी आती है फोटोकेमिकल, ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब ये जो डिकम्पोजिशन होगा, ये जो रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन होगा वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। वो डिकम्पोज ही रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज ही हो रहा है, लेकिन ये जो डीकम्पोजिशन है ये किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में। डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं आपके लिए, सिंगल रिएक्टेंट
decompose into 2 or more product. ठीक है, product. Example ले लेते हैं. हमारे पास एक बहुत अच्छा example है, AgBr gives Ag plus Br2 और ये होगा sunlight की presence में. ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में. अब ये जो है ना, ये फोटोग्राफी के लिए यूज़ की जाती है. ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, दैट इज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है ना भाई. अब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या मतलब है इन्हें पढ़ने का? तो भाई ये मतलब है कि ये ब्लैक एंड वाइट जो पहले के टाइम में आती थी ना, ये रील वगैरह जो आती थी, ये उनके लिए यूज़ होती थी. ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ऐसी एक और रिएक्शन है, ये भी उसी के लिए यूज़ होती थी, AgCl. यही सनलाइट लिखेंगे हम. हमने बोला था कि भाई एरो के ऊपर ही आएगा सनलाइट. ठीक है, तो क्या बनेगा? Ag plus Cl2, वही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. अब ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन आती है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिख देते हैं. इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इस इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई? भाई डीकम्पोजिशन जो हो रही है ना अब रिएक्टेंट की, वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में. ठीक है, लिख देते हैं, दिस टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इंटू टू और मोर प्रोडक्ट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इट. ठीक है, ये इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब बहुत अच्छा एग्जांपल है, जानते हो आप उस एग्जांपल को, H2O gives H2 plus O2. जब हमने भाई हमारे पास जब ये वाटर होता है ना, वाटर से हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को निकालना हो तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पास करवा के हम गैसेस को रिलीज़ करवा सकते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है इसको एक और नाम से जानते हैं हम, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल हैं, अभी तक के लिए बस इतना ही. और इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो आपके दो रह गए हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. एंड तब तक आप इतना पढ़िए, और इसमें से जो भी अगर आपका कोई डाउट बनता है वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपको बता सकूं. डाउट ज़रूर लेने हैं आपने अगर कोई डाउट होता है तो. एंड इसमें एक चीज़ है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये सारी की सारी अभी बाद में आएंगी, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊँगी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. तो आई होप इतना समझ आया होगा. अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए. ठीक है.